शहर की बात कर रहा होता, ट्रैफिक की बात कर रहा होता, जहलम पार करने के लिए पुल की बात कर रहा होता, मुख्तलिफ और जो लोकल इश्यूज हैं उनके बात कर रहा होता, लेकिन ये इलेक्शन असेंबली का नहीं है। हमने चाहा था कि पार्लियामेंट के साथ असेंबली के भी इंतखाबात हो, हमने मांग की थी कि जहां पोलिंग बूथ में लोकसभा के लिए एक मशीन डाला जाएगा वहां पे उसके साथ साथ असेंबली का भी मशीन होना चाहिए लगाया। यहाँ पे छोटा सा मैं आपको मिसाल देता हूं इसका असर कहां पड़ा। आप हर एक के हाथ में मोबाइल फोन है, रियासत के बाहर कश्मीरियों को निशाना बनाया जाए, हमारे बच्चे जो देहरादून पढ़ रहे थे, जो जयपुर पढ़ रहे थे, जो बंबई में पढ़ रहे थे, जो कलकत्ता में पढ़ रहे थे, जो पंजाब में पढ़ रहे थे, एक एक को वहां से भगाया गया इन्हीं बीजेपी आरएसएस की बदौलत। 10 दिन हमने इंतजार किया कि कब हमारे वजीर आजम साहब हमारे हक की बात करेंगे। अरे हमारे हमारे कश्मीरी बच्चों को मरकज की हुकूमत ने नहीं बचाया। अरे पंजाब हरियाणा दिल्ली में हमारे सरदार भाइयों ने हमारे कश्मीर के बच्चों को बचाया। मैं शुक्रिया करता हूं इनका जिन्होंने पूरे पंजाब में, पूरे हरियाणा में, पूरे दिल्ली में, जहां जहां इनकी संस्थाएं थी, जहां जहां इनकी गुरुद्वारा थे, आपसे वोट मांगेंगे। कोई मजहब के नाम पे, कोई जात के नाम पे, कोई बरादरी के नाम पे। आज जब इनको और कुछ मिलता नहीं है कहते हैं पहाड़ियों को एक साथ चलना चाहिए।
हम जनाब जात के नाम पे, बरादरी के नाम पे, मजहब के नाम पे वोट नहीं मांगते।